पवित्र सावन माह को महज 3 दिन शेष है। इस बार पूर्वांचल के कांवरिया श्रद्धालुओं को सुइया पहाड़ से भी तकलीफ भरे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। दरअसल भागलपुर के नाथनगर के दोगच्छी से सुल्तानगंज के अकबरनगर के बीच NH80 की स्थिति बदतर है। सड़क चौड़ीकरण कर निर्माण किया जा रहा है। सावन से पूर्व सड़क को मोटरेबल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुका है। जगह जगह वाहन फंस रहे हैं। इस रास्ते से पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, गोड्डा, मिर्जा चौकी, बंगाल, नेपाल सहित कई जिलों के हजारों कांवरिया जल भरने के लिए अपने वाहनों से सुल्तानगंज पहुंचते हैं, लेकिन कांवरियों के लिए इस बार राह आसान नहीं है। 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। जहां सड़क है वो गड्ढे में तब्दील है। बारिश के बाद गड्ढा तालाब बन जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सड़क पर आवाजाही कर रहे लोग प्रशासन को कोसते नजर आ रहे हैं। प्रशासन को यह मालूम था कि इस रास्ते से कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज पहुंचता है, बावजूद सड़क खोद कर ऐस और बालू दिया गया। अब सावन नजदीक आ गया तो सड़क को ट्रेबल करने की बात कही गई थी, लेकिन काम नहीं हो सका। हम आपको बता दें, मुंगेर के घोरगढ़ से झारखंड की मिर्जा चौकी तक 97 किलोमीटर के सड़क का निर्माण 883 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। सड़क 10 मीटर चौड़ी और PCC ढलाई वाली बनाई जा रही है। 2 पैकेज में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि सुल्तानगंज से भागलपुर के NH का काम चल रहा है, लेकिन अभी जब तक सावन है तब तक यह काम आगे ही बढ़ेगा। इस काम को जल्द दुरुस्त किया जाएगा, जिससे कांवरियों को किसी तरह की परेशानी न हो। राहगीर इंद्रजीत कुमार ने बताया कि इस बार कांवरियों को ऐसे राह से सफर करना काफी कठिनाइयों का सबब हो सकता है, क्योंकि 6 किलोमीटर तक सड़क ही नहीं है। सड़क पर गड्ढे बन गए हैं और गड्ढे तालाब में तब्दील हो गए हैं। प्रशासन को चाहिए था कि सावन में इधर से लाखों कांवरिया गुजरते हैं, इसलिए उसे इसी तरह काम करना था, जिस तरह कांवरियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। छोटू चौधरी राहगीर ने बताया कि 6 किलोमीटर पूर्ण सड़क नहीं है, जिसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ना तो भागलपुर से सुल्तानगंज जा पा रहे हैं और ना ही सुल्तानगंज से भागलपुर आ पा रहे हैं। यह आगे दोगच्छी से सुल्तानगंज अकबरनगर का रोड पूर्ण रूपेण बुरी स्थिति में है। कांवरियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो कांवरिया 24 घंटे में भागलपुर से सुल्तानगंज पहुंचते थे, उन्हें शायद 2 दिन लग जाएगा, और देवघर जाने वालों को तो और भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। यात्री को किसी न किसी तो 5 घंटा 2 घंटा में चल जाएगा, लेकिन कांवरिया जो उतना दूर से सफ़र करेगा, चारों बिहार के चारों तरफ से कोने से देवघर जाएगा, तो कांवरिया जो है ना नाथनगर से सुल्तानगंज पहुंचने में कांवरिया को 2 दिन लग जाएगा। जो है ना 5वां दिन वो देवघर पहुंचेगा, वो पहुंच पाएगा कि नहीं पाएगा कहना नामुमकिन है। बहुत दुर्दशा ही रोड का नाथनगर से लेकर सुल्तानगंज के बीच तक में काफ़ी परेशानी है यात्रियों को, और देवघर वाले को तो और परेशानी होगा। आप अभी आ रहे हैं उस सुल्तानगंज इधर से, कितना दूर स्थिति है? दूरी स्थिति हम तो बोल दिए चुकी सर, नाथनगर से लेके अकबरनगर तक पूरा जो है ना रोड डेंजर है। आप कहाँ जा रहे हैं? देवघर जा रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है इस तरफ? परेशानी तो बहुत हो रहा है हम लोग को भागलपुर से आने में। क्या लगता है कि कांवरिया जा पाएंगे इस रास्ते? नहीं जा पाएंगे जब तक रोड मेन रास्ता ये हुआ, इसको ठीक होना चाहिए जल्दी, क्योंकि 4 तारीख को सावन पड़ने वाला है, इसको जल्द सही किया जाए। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग पूर्णिया जिला रोहटा से आ रहे हैं। रोहटा से आ रहे हैं, जा रहे हैं देवघर। देवघर जा रहे हैं। बहुत बदतर स्थिति। हाँ, बहुत खराब स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका? छोटू कुमार चौधरी। क्या लगता है क्या करना चाहिए जल्द से जल्द? इसमें ध्यान देना चाहिए, 2-4-5 दिन में इसको सही करना चाहिए, इसमें बेड मिसाइल डालना चाहिए। बरारी स्थित DRCC सेंटर में छात्रों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया और कार्यालय के कंप्यूटर सहित अन्य सामानों को तोड़ दिया गया। मैट्रिक और इंटर पास परीक्षा DRCC में अपना मार्कशीट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचे थे। इस दौरान हजारों हजार की संख्या में छात्र और अभिभावक DRCC सेंटर पहुंच गए थे। काम धीरे होने कारण छात्र आक्रोशित हो गए। पहले तो आपस में धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद छात्र काफी उग्र हो गए और DRCC सेंटर में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं तोड़फोड़ होता देख सभी कर्मचारी वहां से भाग खड़े हुए और छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया और पूरे कार्यालय को तोड़ फोड़ कर रख दिया। वहीं घटना की सूचना के बाद भारी संख्या में बरारी थाना पुलिस के साथ CIT की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद वहां से छात्रों को हटाया गया। वहीं प्रबंधक ने बताया कि छात्र छात्राओं को संयम से काम लेना चाहिए। हाँ, बच्चों का रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा था, टोकन भी दिया जा रहा था, उसी बीच कुछ बच्चे के द्वारा ये टोकन देने में लेने के दौरान बच्चे पीछे से क्या कर रहे थे, एक दूसरे पर थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, पुश कर रहे थे। उसके दौरान क्या हुआ कि भगदड़ में अनावश्यक कुछ बच्चे लोग जो थे तोड़ फोड़ करने लगे,
पीछे साइड को बताया गया उनको कि लाइन में रहिए, लाइन में रह करके उनको दिया जा रहा था टोकन, उसके बावजूद भी ये नहीं किए और तोड़ फोड़ करके शीशा और वगैरह सब सारे जो अंदर का होता है महल का वो उसमें आगे का जो होता है डिस्प्ले शीशा जो है वो तोड़ दिया गया, कंप्यूटर अंदर घुस करके कंप्यूटर प्रिंटर ये सब सारा चीज़ तोड़ दिया, साइड का दीवार जो होता है वो पूरा ये पुश करके ठोक ठोक के उसको जो होता है उस तरह के तोड़ तक दिया गया, मतलब गेट तक तोड़ दिया गया उन लोगों का। हम तो आम छात्रों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी इस तरह का कर रहे हैं, ये जो आवेदन लिया जा रहा है आपके स्किल को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, ना कि इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए। और ये भी करेंगे जो भी मार्कशीट उन लोगों को मिल रहा है स्कूल में, मार्कशीट और CLC वो मिलेगा, जो भी टाइम है आप लोग को एडमिशन के समय का वो भी जो टाइम पर है उसमें जा कर के वहाँ अपना ऑनलाइन करवा लें, वेरिफिकेशन करवाते हुए वहाँ जाएँ, वहाँ मिल जाएगा। नामांकन करवाने के उपरांत भी हमारे DRCC में आएंगे तो यहाँ वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, बाय टू गेट टू, बाय वन गेट 20% डिस्काउंट, बाय टू गेट 30% डिस्काउंट। यहां आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके शहर भागलपुर का पसंदीदा शोरूम डी कोट लेकर आया है इस सीजन का सबसे बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय वन गेट थ्री, बाय टू गेट फोर, बाय वन गेट 50% डिस्काउंट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम, डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मैंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहां आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है, डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र में विगत 1 मई को सरमसपुर से लालूचक अंगारी जाने वाली सड़क पर एक मोटरसाइकिल सवार युवक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा कांड के सफल उद्भेदन हेतु नगर पुलिस अधीक्षक के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। वहीं तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर इस हत्याकांड में शामिल क्रमशः 2 अपराधियों बबरगंज थाना क्षेत्र के महमदाबाद निवासी राम कुबेर शर्मा और जिला के प्रवक्ता थाना क्षेत्र के सलारपुर निवासी मनीष कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चले कि मनीष कुमार सिंह लोदीपुर थाना क्षेत्र के बायपास पर मां भगवती ट्रेडर्स यानी कबाड़ी कंपनी का मालिक है, जो कबाड़ी के काम के आड़ में अवैध रूप से हवाला का भी कारोबार करता है। मृतक इसी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर था। इसी हवाला की रकम को लेकर मालिक से अनबन हुई और मालिक ने ही सुपारी देकर इस कांड को अंजाम दिया। गिरफ्तार अपराधियों के साथ साथ मृतक का खून लगा बैग, 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 1 देसी पिस्तौल और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधियों का कई थानों में आपराधिक इतिहास रहा है। दिनांक 1/5/23 को पुलिस को एक सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल सवार
को एक अपराधकर्मी ने, अज्ञात अपराधकर्मी ने गोली मार दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही थाना ने अपने वरीय पुलिस अधीक्षक को ये सूचना दी। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और इस टीम ने एविडेंस कलेक्शन स्टार्ट किया और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर दो लोग को गिरफ्तार किया गया, राम कुबेर शर्मा और दूसरा माँ भगवती ट्रेडर्स कवाड़ी के मालिक मनीष कुमार को, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और जो कांड का जो मोटिव निकल के आ रहा है, इसमें जो मृतक अकाउंटेंट थे वो सारा काम जो है मनीष सिंह का जो मालिक थे वो संभालते थे और कबाड़ी के काम के आड़ में कुछ और काम भी अवैध यहाँ पे चल रहा था, पैसे का ट्रांजैक्शन का, हवाला ट्रांजैक्शन का। तो इसमें जो मृतक अकाउंटेंट थे वो जो है धीरे धीरे जो सारे ट्रांजैक्शंस थे वो कहीं ना कहीं इनके द्वारा किया जा रहा था, अकाउंटेंट के द्वारा, और ये जो है कंपनी के मालिक को नगावार गुजरा और इसके कारण ये कंपनी के मालिक ने राम कुबेर शर्मा के थ्रू षड्यंत्र रच के सुपारी देके इनकी जो हत्या है दिनांक 1 तारीख को इनकी हत्या करवा दी गई। और जो बरामदगी है इस केस में, देसी पिस्तल 1, जिंदा गोली 1, मोबाइल 2, मृतक का खून लगा बैग जो है वो कंपनी में जो कवाड़ की कंपनी है वहाँ पे बरामद किया गया पुलिस टीम द्वारा, और मृतक का लैपटॉप जो घटनास्थल पे था उसको पुलिस की टीम ने बरारी 0 माइल में जो मनीष का घर है वहाँ पे बरामद किया गया है। और राम कुबेर शर्मा का आपराधिक इतिहास है, बबरगंज थाने में आपराधिक इतिहास है और 0 माइल क्षेत्र में भी इनका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी आपराधिक इतिहास है। इनके ऊपर चोरी का, आर्म्स एक्ट का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, डकैती का, इस प्रकार के इनके ऊपर केसेस हैं। सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में 4 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला प्रारंभ होना है। इसके लिए श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जिला एवं प्रखंड के अधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट श्रावणी मेला उद्घाटन स्थल अजगैवीनाथ गंगा घाट कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय विधायक प्रोफेसर लितनान मंडल ने भी अजगैवीनाथ गंगा घाट व नमामि गंगे घाट का निरीक्षण करते हुए डीएम सुब्रत कुमार सेन को नमामि गंगे घाट एवं अजगैवीनाथ गंगा घाट में कांवरियों को हो रही समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए जल्द से जल्द ठीक कराने की बात कही। वहीं भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने विभाग के सभी अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए इसे जल्द पूर्ण करने की बात कही। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने मीडिया को बताया कि 4 जुलाई से श्रावणी मेला प्रारंभ होना है। इस बार 2 माह का श्रावणी मेला है, इसके लिए विभाग के सभी अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द कार्य पूर्ण करने की बात कही गई है। कांवरियों की सुरक्षा के लिए गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक विभाग द्वारा सारी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई है। जो कमी है उसे विभाग जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। कांवरियों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था नमामि गंगे घाट एवं धांधी बेदारी धर्मशाला में अगले वर्ष की तरह इस वर्ष भी किया गया है। इस बार उद्घाटन में बड़े कलाकार कैलाश खेर की यानी की उम्मीद है। उद्घाटन में गणमान्य लोग पहुंचने की बात है। सूचना मिलने पर कौन कौन आएंगे बता दिया जाएगा। गंगा का जलस्तर में वृद्धि के सवाल पर कहा है, गंगा व कौड़ी में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, इसके लिए अभियंताओं के द्वारा गंगा घाट में तैयारी की जा रही है। जहां जहां जरूरत पड़ेगा आवश्यकता अनुसार कार्य किया जाएगा। इस दौरान एडीएम महफूज आलम, डीडीसी कुमार अनुराग, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, डीसीएलआर अनु कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, थानाध्यक्ष प्रियंजन कुमार, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, अकबर नगर थाना अध्यक्ष प्रियंजन सहित तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद थे। क्या क्या तैयारी हुई है और क्या बचा हुआ है उसको हम देखने के लिए आए थे और परसों ही हम मुख्यमंत्री से मिल करके इनको मेला उद्घाटन के लिए आमंत्रित भी करके आए हैं। राजस्व मंत्री को भी कहा है और कृषि मंत्री को भी कहा है, जो मिला है, बाकी लोग अपने क्षेत्र में था तो मुलाकात नहीं हुई है। अब देखिए कौन, अब ये तैयारी बरकरार रह गई, इसमें थोड़ा सा ढिलाई नहीं हुआ। हमको नहीं लगता है कंवरिया को दिक्कत होगा। अभी हालांकि काम बाकी है, जैसे महिला के लिए ड्रेस चेंजिंग रूम कह रहा कि कहीं पर बन रहा है, उसको यहाँ पर खाली इंस्टॉल करना है। और उधर कुछ मंदिर के पास जो है ना घाट थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, उसको बैन करना पड़ेगा पूरे घाट को। नहीं नहीं, वो जो मंदिर के जस्ट नीचे है वो तो सर हर साल रहता है। हाँ, उसको बैन करना पड़ेगा, इसीलिए कि वो अचानक पानी इतना दूर है, इतना दूर में किसे नहाएगा।
भागलपुर के पुलिस जिला नगछिया में फिर अपराधियों द्वारा एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। नगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र के भोजू टोला की यह घटना है, जहां मृतक की पहचान सोनेलाल शर्मा के पुत्र धर्मेंद्र कुमार शर्मा के रूप में हुई है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा भोजू टोला किसी काम से गए थे, इसी दौरान लौटने के क्रम में घात लगाए अपराधियों ने। आते वक्त इसके सीने में गोली दागी और धर्मेंद्र घटनास्थल पर ही गिर गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल हो गया। तभी ग्रामीणों ने भवानीपुर थाना में इसकी सूचना दी और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया। वहीं मृतक की पत्नी और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गौरतलब है कि मृतक धर्मेंद्र कुमार शादीशुदा था। इस मामले को लेकर मृतक धर्मेंद्र के मौसेरे भाई लड्डू कुमार शर्मा ने कहा, कुछ मजदूर यहां से मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे थे, इसी क्रम में पैसे की लेन देन थी। घटना का कुछ भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसको लेकर नगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि पुलिस शिनाख्त में जुटी है, दोषियों पर जल्द विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों ने मृतक के इंसाफ की मांग करते हुए थाने के पास हल्ला बोल प्रदर्शन भी किया। ये घटना कैसे हुई है? ये गया था, सुबह गया था, यहाँ से तीन आदमी गया था लेबर चढ़ाने के लिए। भोजटोल में 4-5 लेबर था, आज मद्रास निकलता शाम को, इसलिए वो गया था लेबर से मिलने के लिए। वहाँ पे पैसा वैसा जो देता खाने पीने के लिए बनाने के लिए वो देने गया था। अब वहाँ पे कैसे हुआ, उधर से बोला क्या, कोई आदमी बोला क्या कि उधर से आया, बस गोली मार दिया। अपराधी कहाँ के हैं? अपराधी भोजटोल का। आपका क्या नाम? भागलपुर जिला अंतर्गत पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर में आईएमए के द्वारा बड़े ही धूमधाम से डॉक्टर्स डे मनाया गया। मौके पर अस्पताल परिसर में अनेकों छायादार वृक्ष लगाया गया। वहीं डॉक्टर मणिभूषण, डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर अर्चना झा और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बादल सहित कई चिकित्सकों ने रक्तदान कर लोगों को नया संदेश दिया। वहीं अस्पताल अधीक्षक उदय नारायण सिंह ने कहा कि डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। सबसे पहले भारत सरकार ने 1991 में इसकी शुरुआत की थी। मेडिकल हेल्थ केयर में डॉक्टर विधान चंद्र राय का बड़ा ही योगदान रहा है। को मालूम है जैसा कि आज डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर्स डे मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिवस पर। और आज हम लोग कुछ सामाजिक कार्य करते हैं, पर्यावरण की शुद्धता के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। सर अभी और कोई कार्यक्रम है क्या? रक्तदान सुने वो रक्तदान शिविर का आयोजन है, शाम को फिर सम्मान समारोह और फिर शाम को सम्मान समारोह। आज डॉक्टर्स दिवस है और हमारी सरकार का, बिहार सरकार का जल जीवन और हरियाली, इस दोनों को मिला के हम लोग वृक्ष अपने उद्यान में लगा रहे हैं, जिससे कि छाया भी रहे, हरियाली भी रहे। लोगों, आप लोग जानते हैं कि वृक्ष जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज अस्पताल में अलग अलग तरह के कुछ वृक्षों का वृक्षारोपण किया है, जिससे जो यहां जनता आती है वो छाया में बैठ भी सके। और जगदीशपुर अंचल कार्यालय में वर्तमान सीओ अशोक पंडित की सेवानिवृत्त होने पर विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विदाई के अवसर पर संबोधित करते हुए बीडीओ रघुनंदन आनंद ने कहा कि सीओ मृदुभाषी, कर्तव्यनिष्ठ और लोगों का दुख दर्द समझने वाले थे। जब भी विषम परिस्थिति होती थी तो सीओ साहब का भरपूर सहयोग मिलता था, इनके जाने के बाद कमी तो खलेगी। साथ ही बीडीओ सहित उपस्थित लोगों ने उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए उपहार स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता भेंट किया। वहीं सीओ अशोक मंडल ने कहा कि सर्विस पीरियड में अनेक पर पोस्टिंग हुआ और तबादला हुआ, लेकिन जगदीशपुर में अधिकारियों सहकर्मियों के साथ लोगों का जो सहयोग और प्यार मिला वो हमेशा याद रहेगा। साथ ही कहा कि अंचल या प्रखंड में तैनात कर्मी नियत समय पर लोगों का काम कर दे तो उनको लोगों से काफी प्यार मिलेगा और यही प्यार जीवन का बड़ा उपहार होता है। इस अवसर पर आरओ सुजीत कुमार, सुधन यादव, राधे सिंह, अभिजीत कुमार, कार्यपालक सहायक, राजेश, जनप्रतिनिधि सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। अंचल के सभी हमारे यहाँ उपस्थित विदाई समारोह में सभी को स्वागत है। अंचल के कर्मी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि काम समय पर करें। गरीब वगैरह जो भी आते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, गरीब सभी का काम जो है समय पर करते हैं, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और इसी में सम्मान मिलेगा। चतुर्मास में भगवान की आराधना की जाती है और माना जाता है कि इस दौरान तामसिक भोजन और शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चतुर्मास में आने वाले व्रत त्योहार बहुत खास होते हैं।
ऐसे में यह भी माना जाता है कि इस दौरान पढ़ने वाले व्रत करते हैं तो वो कहीं यात्रा नहीं करते। इस चातुर्मास को लेकर जैन परिवार कल शहर में भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे। आज प्रेस वार्ता के दौरान सुमित कुमार जैन ने बताया कि कल प्रातः ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद ही मंदिरों में विधि विधान के साथ पूजा पाठ की जाएगी। वहीं बाहर से आए संतों ने कहा कि चतुर्मास में सभी जैन संत अपनी यात्रा रोक देते हैं और मंदिर आश्रम या संत निवास पर ही रहकर यम और नियम का पालन करते हैं। जैन धर्म के अनुसार यह चार महाव्रत साधना और तप के रहते हैं, इस दौरान सख्त नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसमें आभार व्यवहार आचार विचार हो उन्हें ही चतुर्मास कहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चतुर्मास में धर्म को साधा जाता और क्रोध नहीं करते हुए संयम का पालन किया जाता है। साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके संयमित जीवन बिताया जाता है। कल के ध्वजारोहण शोभा यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान मंदिर के कई अधिकारी एवं बाहर से जैन परिवार के दर्जनों आगंतुक अतिथि मौजूद थे। जय बोलो वास्तु पूज्य भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य विशल सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। कल भव्य कलश स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से श्री दिगंबर जैन समाज भागलपुर द्वारा मनाया जा रहा है और इसमें देश विदेश से भक्तजन कल लगभग सुबह 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे। सारा कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगा। ये कलश स्थापना 4 महीने का जो चातुर्मास की स्थापना हो रही है उसके लिए हो रहा है। कल के कार्यक्रम में सबसे पहले सुबह ध्वजारोहण है और बाकी कार्यक्रम उसके बाद है। तो आप सभी प्रेस मीडिया से अनुरोध है